नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा की आराधना और आध्यात्म के संगम के दिन होते हैं। इन दिनों में माँ दुर्गा की आराधना करने से सभी प्रकार के दुख एवं परेशानियों से छुटकारा मिलता है, सकारात्मकता का वातावरण बनता है, माँ की अनुकंपा मिलती है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति भी होती है। तो वहीं बात करें 10 महाविद्याओं की, तो 10 महाविद्या माँ दुर्गा के ही रूप हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि इनका संबंध भगवान विष्णु के 10 अवतारों से भी है। 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने के लिए की जाती है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं उन 10 महाविद्याओं के नाम और उनका संक्षिप्त परिचय एवं उनके मंत्रों के बारे में। नमस्कार और स्वागत है बीएल ज्ञान के इस एक और आध्यात्मिक जानकारी से भरपूर वीडियो में। सबसे पहले बोलिए जय माता दी। 10 महाविद्याओं की प्रथम देवी है आदिशक्ति। इनके लिए लाल रंग के वस्त्र, आसन, काली हगीक की माला इत्यादि आवश्यक है। इनका मंत्र इस प्रकार है, ओम क्रीम 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 हीम हीम हूँ हूँ दक्षिण काली के, क्रीम 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 हीम हीम हूँ हूँ स्वाहा। इनके भैरव महाकाल है जिनका दब दशांश किया जाना चाहिए। इस महाविद्या से विद्या, लक्ष्मी, राज्य, अष्ट सिद्धि, वशीकरण, प्रतियोगिता विजय, युद्ध, चुनाव आदि में विजय प्राप्त की जा सकती है। 10 महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या है तारा महाविद्या। शत्रुओं का नाश, ज्ञान तथा जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए इनकी साधना की जाती है। इनके भैरव अक्षोभ्य है एवं इनका मंत्र है ओम एम ओम क्रीम क्रीम ऊं फट। तीसरी महाविद्या है षोडशी महाविद्या और इनके भैरव पंचवक्त्र शिव हैं तथा हर क्षेत्र में सफलता हेतु इनकी साधना की जाती है और इनका मंत्र इस प्रकार है, श्रीम ह्रीम क्लीम एम सो ओम ह्रीम क्रीम कै इल ईम सकल ह्रीम सो एम क्लीम ह्रीम श्री नमः। चौथी महाविद्या है भुवनेश्वरी और इनके भैरव हैं त्र्यंबक शिव। इनका साधक कीचड़ में कमल की तरह संसार में रहकर भी योगी कहलाता है और इनकी साधना से वशीकरण, सम्मोहन, धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि की प्राप्ति की जा सकती है और इनका मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ए सो भुवनेश्वराय नमः या ह्रीम। पांचवी महाविद्या है छिन्नमस्ता। ये संतान प्राप्ति, दरिद्रता निवारण, काव्य शक्ति, लेखन शक्ति आदि तथा कुंडलिनी जागरण आदि के लिए भजी जाती है और इनका मंत्र इस प्रकार है, श्री ईम क्लीम ए वज्र वेराय निये ऊम हूम फट स्वाहा। छठवीं महाविद्या है त्रिपुर भैरवी। ये ऐश्वर्य प्राप्ति, रोग शांति, त्रिलोक विजय व आर्थिक उन्नति में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए की जाती है और इनका मंत्र है हा सा हस करी हसे। सातवीं महाविद्या है धूमावती। ये कर्ज से मुक्ति, दारिद्र दूर करने के लिए, जमीन जायदाद के झगड़े निपटाने एवं उधारी वसूलने के लिए इनकी आराधना की जाती है। इनका मंत्र है धूम धूम धूमावती ठा ठा। आठवीं महाविद्या है श्री बगुलामुखी। ये युग इनका ही कहा जाता है। रोग दोष, शत्रु शांति, वाद विवाद, कोर्ट कचेरी में विजय, युद्ध चुनाव विजय, स्तंभन, वशीकरण तथा धन आदि प्राप्ति के लिए इनकी साधना अचूक मानी जाती है और इनका मंत्र है ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीव्या कीलय बुद्धिम विनाशाय ह्रीम ओम स्वाहा। नवी महाविद्या है मातंगी। शीघ्र विवाह, गृहस्थ जीवन सुखी बनाने, वशीकरण, गीत संगीत में सिद्धि प्राप्त करने के लिए इनकी विशेष पूजा की जाती है और इनका मंत्र है श्री ह्रीम क्लीम हूम मातंगे फट स्वाहा। दसवीं और आखिरी महाविद्या है कमला। भौतिक साधनों की वृद्धि, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि तथा धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए इनकी विशेष पूजा की जाती है और इनका मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्री कमले कमलालय प्रसिद प्रसिद श्री ह्रीम श्रीम महालक्ष्मय नमः। तो दोस्तों, ये वो 10 महाविद्याओं के बारे में इस वीडियो में संक्षिप्त जानकारी दी गई है।